अक्षरों से प्यार भरी विनती है कि कृपया आप स्टेज जैन महिला मंच की अध्यक्ष मंगल जी तारक स्टेज की ओर पधारेंगे। दिए जले विश्वास की आशा की मिली छाव, दिए जले विश्वास की आशा की मिली छाव, ज्योति का घंटा कंगना तो धीरे धीरे सफलता के पार, तो धीरे धीरे सफलता के पार। आइए सर्वप्रथम नमन करते हैं हमारे आराध्य देवत को और ज्योति प्रज्वलन से इस प्यार से इच्छन की हम शुरुआत करते हैं। बिल्कुल मुझे लगता है हाथ की घड़ी डालना, ये जो पोज है ना ये बस एक तक छूट होती है, भला वो कौन होगा? समस्त स्टॉल वाले आगे आ जाए, सभी स्टॉल वाले आगे आ जाए जल्दी से जल्दी, ताकि ये प्यारी सी फोटो कल के अखबार में फ्रंट पेज। हमारे समस्त मेहमान बहुत धन्यवाद करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। Thank you.
आज का जो जैनम एक्सपो का जो उद्घाटन हुआ है उसके लिए सकल जैन समाज और भगवान महावीर जन्म कल्याणक, माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष, अखिल भारतीय मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष, पदाधिकारी, युवा मंच सबने यहाँ आके उनकी उपस्थिति देख के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम का जो उन्होंने हमारे लिए जो शुभेच्छा दी उसके लिए उनको धन्यवाद, और जो आज इन्होंने जो स्टॉल लगाए उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जिनको बुलाया, मेरा नाम भारती बागरेचा, जैना महिला मंच संस्थापिका अध्यक्ष, महिला मंच की अध्यक्षा मंगल पारक। ये जो जैनम महिला मंच की ओर से जो आज पर महा एक्सपो लगा है इसमें करीबन 80 के लगभग स्टॉल लगे हैं, और ये स्टॉल जो है सभी बहुत अच्छे अच्छे, ये स्टॉल पुणे, बॉम्बे, हैदराबाद, मुंबई और बहुत सी जगह से, जालना, कन्नड़, मालेगांव, जलगांव, बहुत जगह से आए हैं, और ये स्टॉल बहुत ही अच्छे तरह से लगे। यहाँ पर सोने चांदी, ड्राई फ्रूट और कपड़े के और भी बहुत सारे बुके आदि बहुत स्टॉल लगे हैं, तो सभी से यही निम्र निवेदन है कि सभी जन स्टॉल को देखकर जाए और हमारा उत्साह बढ़ाए, यही भाव। और जिन्हों जिन्होंने भी ये स्टॉल लगाए उन सबको जैनम महिला मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो ऑर्गेनाइज किया है हमारे संस्थापक अध्यक्षा भारती जी बागरेचा, इन्हें भी हम सब जैनम महिला मंच की ओर से बहुत ज़्यादा धन्यवाद देते हैं कि वो हमें हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और इसका जो प्रोजेक्ट चेयरमैन है नंदा जी मुत्था, करुणा जी साहू जी, कविता जी अजमेरा, भावना जी सेठिया, मेघा सुगंधी, आशा कासलीवाल, मैं स्वयं मंगल पारक और पुष्पा बाफना किरण, सभी ने बहुत बहुत, कमला भाई ओस्तवाल, मनीषा भंसाली ने तो हमें बहुत ही अच्छे से प्रोत्साहन किया है। और जो हमारा यानी विद्या खिवसरा, मंजू पाटनी, मीना पापड़ीवाल, नंदा मुनोत, आशा कासलीवाल, सारिका साहूजी, मनीषा पाटनी, अर्चना दुग्गड़, सभी, मीना मुनोत, सब, पल्लवी शाह, सभी का जिनका भी नाम लूँ मैं यानी नहीं भी लूँ तो सभी जैनम महिला मंच के सभी पदाधिकारियों ने बहुत ही सहकार्य किया है। और हमारे जैनम महिला मंच को किसी का नाम की ज़रूरत नहीं, काम की ज़रूरत है, तो ये बहुत अच्छे से सभी काम करते हैं, इसीलिए सभी को बहुत बहुत फिर से एक बार मैं अध्यक्ष इस पद से सभी को धन्यवाद देती हूँ, और सभी का, और सभी को स्टॉल वालों को बेस्ट लक कह के आज के स्टॉल की शुरुआत करते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। नए साल के शुरुआत में ही पहला अपना त्यौहार आता है संक्रांत, और उसके पूर्व संध्या पर जैनम महिला मंच की ओर से आज संभाजी नगर को बहुत ही बढ़िया गिफ्ट दिया गया है। ये दो दिन का जो ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज किया गया है उसमें आप देखेंगे कि पूरे भारत भर से स्टॉल लगे हुए हैं। हम जनता को आह्वान करते हैं कि आपको संभाजी नगर में इतने उत्कृष्ट स्टॉल, इतना अच्छा सामान यहाँ पर मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ये ट्रेड फेयर को भेंट देनी चाहिए, यहाँ से खरीदी भी करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने स्टॉल लगाया है उनके मन में उत्साह है, इच्छा है कि आने वाले लोगों ने अच्छी चीज़ों की खरीदी भी करना चाहिए, तभी इस ट्रेड फेयर का मन से एक अच्छा सा स्वागत और अभिनंदन होगा। जिन लोगों ने हिम्मत करके यहाँ पर स्टॉल लगाया उनको हम सबकी ओर से धन्यवाद देते हैं, और सभी को आह्वान करते हैं कि भले सेल कम या ज़्यादा हो, पर जब तक आपके विजिटिंग कार्ड सब तक पहुँचेंगे, आज न कल लोग आपके घर तक ज़रूर पहुँचेंगे। और कहीं ना कहीं मोदी जी की जो संकल्पना है आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, उसकी शुरुआत चैरिटी बिगिंस एट होम, और महिला सक्षमीकरण का जीता जागता उदाहरण आपको यहाँ देखने मिलेगा। आयोजक लोगों ने उत्तम व्यवस्था की है, नियोजन किया है, और जो लोगों ने इसको फाइनेंशियली मदद की है उनको भी हम सभी लोग मन से धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उपक्रम आहे जैन महिला मंचने घेतलेला, यासाठी एकदाच फक्त भारती बागरेचांना आम्ही सांगितलं संस्थाध्यक्षाने की आपण असं काहीतरी केलं पाहिजे, आणि नाही दरवर्षीच करत आलो आहे, पण कोविडनंतर थोडंसं लूज झालं होतं, कारण कोविडमध्ये कोणी येऊ शकत नव्हतं, आणि ह्यावेळेस आम्ही हा जो उपक्रम घेतला तर ह्यासाठी
विविध स्तरातील सगळ्या लोकांनी आम्हाला सहकार्य केलंय. पूर्वी आम्ही जसं फक्त लोकांना वाटत होतो की जैन महिला मंचापुरताचा मर्यादित आहे, पण तसं नसून आणि सगळ्या क्षेत्रातील सगळ्या लोकांनी आम्हाला खूप सहकार्य केलं आणि शेवटपर्यंत आम्हाला स्टॉलसाठी खूप मागणी येत होती, पण आम्ही कमी पडलो की आम्ही त्यांना स्टॉल काही लोकांना उपलब्ध करून देऊ शकलो नाही, त्यांच्याबद्दल आम्ही खूप दिलगिरी व्यक्त करतो. आणि ज्यांनी स्टॉल लावले आहेत त्यांना खूप खूप धन्यवाद आहे आणि बेस्ट ऑफ लक. आणि सगळ्या आमच्या पदाधिकाऱ्यांचं पण खूप स्वागत आहे की सगळ्यांनी खूप मेहनत घेतली आहे आणि हा उपक्रम सक्सेस करण्याबद्दल करण्यात त्यांचा खूप मोठा सिंहाचा वाटा आहे. धन्यवाद. Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. जय जिनेंद्र, मैं वर्षा नितिन चोरडिया. मैंने सिल्वर की पायल का स्टॉल लगाया है और जैनम महिला मंच जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया है इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ. जय जिनेंद्र, जैनम महिला मंच ने हमको स्टॉल लगाने के लिए अवसर दिया इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ. मैंने सिल्वर का स्टॉल लगाया है पायल का, इसके लिए मैं जैनम महिला मंच का बहुत बहुत कट कर देना. जैनम महिला मंच ने जो अरेंज किया है ये बहुत ही बढ़िया है और समाज के लिए और इनके लिए सब आदर्श है ये. और कुछ सर आपको कुछ नया देखने को मिला है? सब नई चीज़ है, बस लेडीज़ के लिए है वो, तो हमारे लिए सब नया है ये. शहर के लोगों से क्या अपील करेंगे? नहीं, सब यहाँ पर आए एक बार ज़रूर यहाँ पर आए आप और विजिट करें यहाँ पर. नमस्कार. जय जिनेंद्र. जैनम महिला मंच द्वारा ये जो एक्सपो का आयोजन किया है ये समाज के लेडीज़ की जो क्रिएटिविटी है वो हुनर दिखाने का एक मौका जैनम महिला मंच भारती बाई बागरेचा एवं सभी टीम के द्वारा यहाँ दिया गया है, तो ये सभी के लिए बहुत उल्लास की बात है और सभी समाज के एवं सभी पदाधिकारी एवं जितने भी संस्था हो, विभिन्न संस्थाओं के लोग होंगे, सभी ने इसकी मार्केटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर आके अपना अपना खरीदी करे और ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दे. सभी को धन्यवाद. रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.